देखो, एक्सट्रीम शॉर्ट रेंज पर हेडशॉट लगाना उतना ही मुश्किल है जितना अपना क्रश को प्रपोज करना। दोनों के केस में अगर सक्सेसफुली मार लेते हो तो अच्छी बात है, एंड अगर बाय चांस बेटा चूक गए तो बेटा दोनों तरफ से कुटाई होना पक्का है एंड आपका प्राण हानि होने का शंका है। मजाक के बाद साइड में अगर आपको एनिमी के उसके मुंह के सामने एक्सट्रीम क्लोज रेंज पर घुसकर वन टैप हेडशॉट लगाना है तो वो चीज तब भी पॉसिबल हो पाएगी जब भी आपको रोटेशन ड्रैग मारना अच्छे से पता होगा। तो तुम्हारा शक्ति भाई किस लिए है, आज मैं आपको सिखा कर ही रहूंगा कि अपने क्रश को कैसे प्रपोज मारते हैं, रोटेशन ड्रैग कैसे मारते हैं। देखो, परफेक्ट रोटेशन ड्रैग मारने के लिए तीन चीज इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, आप अपना फायर बटन का साइज को कितना रखते हो एंड उसको कहां पर रखते हो। नंबर टू, आपको अपना एम यानी क्रॉस एयर को कहां पर रखने के बाद फायर बटन को रोटेट करना है। एंड नंबर थ्री, फिंगर मूवमेंट यानी आपको अपना फायर बटन को सिचुएशन वाइज कैसे रोटेट करना है। अरे शक्ति भाई, आप कितना बोरिंग हो यार, बाकी यूट्यूबर्स लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए 1 2 3 काउंट डाउन करते हैं बट आप कभी नहीं करते हो। अच्छा, अगर मैं 1 2 3 काउंट डाउन करूंगा तो आप लोग सारे मिलकर सब्सक्राइब कर लोगे। अरे एक बार 1 2 3 बोल के तो देखिए स्ट्रोम गैंग कितना पावरफुल है, आपको पता लग जाएगा। तो फिर ठीक है, मैं 3 तक गिनूंगा, जो भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना। ओके, रेडी, 1 2 3 एंड सब्सक्राइब, सारे मिलके कर लिए ना। ओके, अभी बात करते हैं हमारा 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट की, फायर बटन, एमिंग एंड फिंगर मूवमेंट की, जिसको यूज करके आप ऐसे ऐसे एंड ऐसे सिचुएशन में भी एनिमी को वन टैप हेडशॉट लगा पाओगे। बट रोटेशन ड्रैग मारने से पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपका रोटेशन ड्रैग हेडशॉट क्यों नहीं लग रहा है। इसका सिंपल आंसर है, आप रोटेशन ड्रैग मारने के टाइम कुछ गलतियां कर रहे हो। तो पहला गलती जिसके वजह से आपका रोटेशन ड्रैग हेडशॉट नहीं लगता है वो है, आप लोग क्या मिस्टेक करते हो, रोटेशन ड्रैग टेक्निक शॉर्ट रेंज पर हेडशॉट मारने का टेक्निक है। तो पहला बात, अगर आप लॉन्ग रेंज पर रहकर रोटेशन ड्रैग मारने का ट्राई करोगे तो नहीं मार पाओगे ना, इसीलिए रोटेशन ड्रैग को मिड रेंज से थोड़ा कम एंड पूरा शॉर्ट रेंज पर यूज किया जाता है। एंड सेकंड गलती जो आप लोग करते हो जिसके वजह से आपका अब भी रोटेशन ड्रैग हेडशॉट नहीं लगता है, एंड अगर आप इस मिस्टेक को सुधारोगे नहीं देन आपका कभी भी रोटेशन ड्रैग हेडशॉट नहीं लग पाएगा। आप लोग क्या मिस्टेक करते हो, अपना फायर बटन को कुछ ज्यादा ही राइट साइड की तरफ रखते हो। ऐसे करने पर प्रॉब्लम यह है कि आप अपना फायर बटन को सही से रोटेट नहीं कर पाते हो एंड आपका रोटेशन ड्रैग नहीं लगता है। टेंशन मत लो, इसीलिए हमारा नंबर वन पॉइंट है, रोटेशन ड्रैग हेडशॉट मारने के लिए आपको अपना फायर बटन का साइज कितना रखना चाहिए एंड उसको कहां पर रखना चाहिए। देखो, रोटेशन ड्रैग का आधा काम हमारा फायर बटन से ही होता है, तो यहां पे आपको गलती तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे रोटेशन ड्रैग मारने के लिए आपका फायर बटन अच्छे से रोटेट होनी चाहिए एंड आपका फायर बटन अच्छे से रोटेट तभी हो पाएगा जब भी आपके बटन के आसपास थोड़ा सा स्पेस होगा तभी ना आप उसको सही से घुमा पाओगे। इसीलिए आपको अपना फायर बटन को ज्यादा राइट साइड के तरफ नहीं रखना है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा राइट के तरफ स्पेस छोड़ के अपना फायर बटन को रखना है जैसे कि आप उसको सही से घुमा सको। एंड और एक इंपॉर्टेंट बात है, फायर बटन साइज, आपको अपना फायर बटन का साइज को ज्यादा बड़ा नहीं रखना है। ज्यादा बड़ा रखने से आपको घुमाने के लिए दिक्कत होगी। मैक्सिमम आपको अपना फायर बटन को 60 तक रखना है, उससे ज्यादा आपको नहीं रखना है। ओके, ये तो हो गया सेटिंग वाली बात। अभी बारी आता है रोटेशन ड्रैग करने के टाइम आपको अपना एम यानी क्रॉस एयर को कहां पर सेट करना है। एंड यहां पे बहुत सारे बंदे गलती कर देते हैं। बंदे क्या मिस्टेक करते हैं, एनिमी के ऊपर एम रखकर फायर बटन को रोटेट करते हैं, उससे उनको हेडशॉट को छोड़ के और दो चीज मिलता है, निराशा एंड बॉडी शॉट। एंड अगर आप उन बंदों में आते हो जो कि ऐसे करते हैं तो पहले आपको आदत को छोड़ना पड़ेगा। देखो, शॉर्ट रेंज पर क्या होता है, हमारा डिफॉल्ट एम जो होता है उसका पावर ज्यादा होता है जिसके वजह से आपका एम एनिमी के बॉडी के ऊपर चुंबक के जैसा चिपक जाता है। एंड इस प्रॉब्लम को मात देकर हम लोग शॉर्ट रेंज पर रोटेशन ड्रैग का यूज करके हेडशॉट लगाते हैं। एंड उसके लिए आपको अपना एम को एनिमी से दूर एंड ऑब्वियसली व्हाइट कलर का रखना है। आप अपना एम को इसी जगह में से कहीं पर भी रख सकते हो, बट मेरा मानो तो आपको लेफ्ट साइड के तरफ एनिमी से थोड़ा दूर आपको अपना एम को रखना है जैसे कि मैं रखता हूँ। एंड एक सिंपल एंड इम्पोर्टेंट बात, आप अपना एम को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको इतना ध्यान रखना है एटलीस्ट आपका एम एनिमी से दूर होनी चाहिए। ओके, फायर बटन एंड एमिंग के बाद अभी टाइम आ चुका है रोटेशन ड्रैग को परफॉर्म करने का। एंड यहाँ पे सवाल ये आता है कि आपको अपना फायर बटन को किस तरीके से रोटेट करना है जैसे कि एनिमी के हेड पर आपका एम लॉक हो जाए एंड आपका हेडशॉट लगे। तो फिर चलो आपको वीडियो के साथ समझाता हूँ। आपका एम के ऊपर डिपेंड करता है आप अपना फायर बटन को कैसे रोटेट करोगे। मान लो आप अपना एम को लेफ्ट साइड के तरफ रखे हो तो इस वाली सिचुएशन में आपको अपना फायर बटन को पकड़कर नीचे से लेकर राइट के तरफ रोटेट करना है। फिर से बता रहा हूँ, नीचे से लेकर राइट के तरफ रोटेट करना है, यानी सिंपल में बोले तो आपको अपना एम को एनिमी के हेड के तरफ घुमा कर लाना है एंड आपका हेडशॉट लग जाएगा। एंड अगर आपका एम राइट के तरफ है देन आपको एनिमी के हेड के तरफ यानी लेफ्ट के तरफ रोटेट करके अपना फायर बटन को लाना है। एंड और एक बात आपको याद रखना है, आपको अपना फायर बटन को स्पीड से रोटेट करना है एंड अपना फायर बटन को पूरी तरीके से घुमाना है। अगर आधा रोटेट करोगे देन आपका हेडशॉट नहीं लगेगा। एंड अगर आप चाहते हो इसी तरीके से हर एक गोली वन टैप हेडशॉट लगाना देन आपको रोटेशन ड्रैग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो कि
बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको ट्रेनिंग में जाना है, देन डमी के सामने जाकर आपको अपना एम को थोड़ा दूर रखकर अपना फायर बटन को जोर से एंड सर्कल के जैसा रोटेट करना है। हो सकता है पहले पहले आपका इतना हेडशॉट ना लगे, आपको रोज प्रैक्टिस करना है एंड उसके बाद आपके साथ मैजिक होगा। आपका हैंड सेट होने के बाद अगर एनिमी आपके शॉर्ट रेंज पर आता है देन आप ऑटोमेटिक स्पीड से रोटेशन ड्रैग कर दोगे, देन उसको वन टैप हेडशॉट लग जाएगा। एंड लास्ट में इतना बताना चाहूंगा, भाई लोग कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, आपके जैसा मैं भी एनिमी से मरता हूँ। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे। एंड अगर आपका फोन लैग करता है, हैंग होता है, उसमें आप अच्छे से गेम नहीं खेल पाते हो तो उसको कैसे ठीक करना है मैंने लेफ्ट वाली वीडियो में बताया है, उसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। एंड अगर आपको मेरे साथ खेलना है देन राइट साइड की तरफ हमारा लाइव चैनल दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रोज हम लोग शाम को 3 बजे लाइव आकर आपके साथ खेलते हैं।